हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सचिन। मैं आपको आज इस वीडियो में एचआईवी क्या है, एड्स क्या है, एचआईवी और एड्स के बीच में अंतर क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एचआईवी है, क्या आपको एचआईवी की जांच करना ज़रूरी है, जांच क्यों करनी चाहिए, एचआईवी कैसे फैलता है, क्या एचआईवी के लिए कोई टीका या इलाज है क्या नहीं, इस सभी क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। एचआईवी क्या है? एचआईवी का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह वायरस एड्स का कारण बनता है। मानव शरीर की रक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनो सिस्टम कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली कई वायरस और बैक्टीरिया से मानव शरीर को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। एचआईवी इसी प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिकाओं पर हमला कर इसे कमज़ोर कर देता है। यह कोशिया एक प्रकार की श्वेत रक्षक कोशिकाएँ होती है, जिसे हम CD4 सेल भी कहा जाता है। अगर वायरस को नियंत्रित करने की दवा का उपयोग न किया जाए तो एचआईवी के जीवाणु इस CD4 कोशिकाओं पर कब्जा कर उन्हें लाखों वायरस की प्रतिमा बनाते हैं और उसे एक फैक्ट्री का रूप देते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे CD4 काउंट कम हो जाता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर। एड्स क्या है? एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एचआईवी संक्रमित का अंत में होने वाली अवस्था है। एचआईवी प्रतिरक्षा प्रणाली को काम आने वाली CD4 कोशिका पर हमला करती है, शरीर को एड्स की स्थिति तक पहुंचा देती है। जब शरीर बहुत सी CD4 कोशिका को खो देता है, तब गंभीर एवं घातक संक्रमणों का शिकार हो जाता है। इसे हम अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कहते हैं। जब किसी की मृत्यु एड्स से होती है, तब अक्सर मृत्यु का कारण अक्सरवादी संक्रमण यानी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ही होता है। एड्स शरीर की कमजोरी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। ये दर्शाता है कि अक्सरवादी संक्रमण को नहीं रोक सकता। एचआईवी और एड्स के बीच में क्या अंतर है? एचआईवी केवल शरीर के प्रवेश से आपको एड्स नहीं हो जाता, आप एचआईवी के साथ भी जी सकते हैं बिना किन्हीं लक्षण के। केवल थोड़े लक्षण से आप एचआईवी के साथ जी सकते हैं, पर एचआईवी के साथ जीने वाले लोग अगर परामर्श के अनुसार दवाइयाँ ना लें तो उन्हें एड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किंतु बिना इलाज एचआईवी अंततः CD4 का काउंट कम कर देती है, जिससे लास्ट में अंततः एड्स होता है। और आप एचआईवी के क्या लक्षण हैं? अधिकांश लोग यह नहीं बता सकते कि उनको वो एचआईवी के संपर्क में आए हैं या नहीं आए हैं। एचआईवी संक्रमित बहुत ही सूक्ष्म लक्षण एचआईवी संपर्क में आने के बाद 2-4 सप्ताह के भीतर ही दिखाई देते हैं। इसमें लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? बुखार आना, ग्रंथियों में सूजन, गले में खराश, रात में अधिक पसीना आना, मांसपेशी में दर्द होना, सरदर्द होना, अत्यधिक थकान होना। कुछ लोगों इन लक्षणों को ध्यान नहीं देते क्योंकि ये साधारण लक्षण लगते हैं, या उन्हें लगता है कि उन्हें सर्दी, फ्लू या कोई फ्लू जैसे लक्षण हैं। और गायब होने के बाद भी एचआईवी के प्रभावित व्यक्ति किसी भी लक्षण के बिना वर्षों तक जी सकता है। यदि आप एचआईवी है क्या नहीं ये आपको कंफर्म करना होगा तो एकमात्र तरीका है कि आपको एचआईवी की जांच करनी पड़ेगी। एचआईवी कैसे फैलता है? रक्त यानी मासिक धर्म और पीरियड्स में जो ब्लड आता है उससे, वीर्य और अन्य पुरुष के यौन प्रदान पदार्थ यानी सेक्सुअल सिक्रेशन से, योनि तरल पदार्थ यानी वजाइनल सिक्रेशन से, माँ के दूध से। जब एचआईवी से प्रभावित लोग परामर्श अनुसार दवाई लेते हैं तो उनके संक्रमण लोड को कम करते हैं। इन तरल पदार्थों द्वारा दूसरों तक एचआईवी प्रसार करने की संभावना कम हो जाती है। इसे एचआईवी उपचार की तरह एक एचआईवी उपचार से रोकथाम कम कर सकते हैं, मतलब फैलना हम कम कर सकते हैं। ज़्यादातर एचआईवी फैलने के आम तरीके असुरक्षित यौन संबंध, उन्हें बिना कंडोम यूज किए, अन्य अवरोधक या ट्रीटमेंट यानी प्रिवेंशन के बिना सेक्स करना, दवाई को इंजेक्ट करने के लिए यूज होने वाली सुइयों को साझा करना, या गर्भवती माँ से बच्चों को। आपको एचआईवी की जांच कब करनी चाहिए? जब आपको लगता है कि आपने बिना कंडोम यूज़ किए और बिना अन्य बैरियर के किसी के साथ सेक्स किया है और आपको लगता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है, तब आपको एचआईवी की जांच करनी चाहिए।
और जब आपका आपका साथीदार या अपना साथी HIV होता है तो आपको उससे खतरा हो सकता है, इसलिए आपको जांच करनी चाहिए। जब आप गर्भवती हो और अब बच्चों को जन्म देने वाली हो तो भी आपको जांच करनी चाहिए HIV की। यौन संक्रमण यानी यौन रोग हो आपको कोई तो, या हेपेटाइटिस सी जैसे इन्फेक्शन हो तो भी आपको एक बार ज़रूर HIV की टेस्ट करनी चाहिए। यदि आपको इनमें से कोई भी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आपको निश्चित रूप से HIV की जांच करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं पेशेंट में HIV का फैलाव होता है। क्या HIV के लिए कोई टीका या इलाज है क्या नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर सबको जानना होता है। HIV के लिए न तो कोई टीका और न ही कोई परमानेंट अभी तक इलाज बना हुआ है। HIV को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर बार रोकथाम के तरीके अपनाएं, जिसमें सुरक्षित यौन संबंध शामिल है, यानी कम से कम जोखिम वाला सेक्स करें, कंडोम का उपयोग करें। यदि HIV प्रभावित है तो रेगुलर दवाइयों का उपयोग करें। जीवाणु रहित स्टेरिलाइजेशन युक्त सुई का उपयोग करें जब भी अपन दवाई और कोई टैटू वटू निकाल रहे हो तो।